हेलो गाइस, अभी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, जैसे कि टाटा और अडानी, ठीक है, दोनों मिलके चलाएंगे रेलवे को। अभी तो उनको बहुत छोटा सा पार्ट दिया गया है रेलवे का, एक छोटा सा पार्ट। अभी आने वाले दिनों में दोस्तों उनको बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी भी मिल सकता है। और ये दोनों को ज़्यादा ऊपर हम फोकस क्यों करेंगे, क्योंकि ये हमारे देश के ऊपर मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं, वो भी दिल से। आपको पता होगा टाटा वो इंसान है जो देश के लिए बहुत सम्मान, और कभी भी अगर कोई तकलीफ होती है तो सबसे आगे भाई टाटा, कुछ भी हो जाए तो टाटा ने, आप देखो कितना बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, डोनेट कर रखा है। तो टाटा को इसलिए चांस दिया जा रहा है क्योंकि एक देशभक्त ही अपने देश को संभाल सकता है, उस तरीके से अडानी भी है, ठीक है। अब बहुत सारे देखोगे अपने देश के बाहर से भी आ रहे हैं, लेकिन उनको मौका नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि जो हमारे ट्रस्ट के लिए है और जो हमारे ट्रस्ट को जीत सकते हैं उनके ही ये मौका दिया जाएगा। और देखिए, आपने देखा होगा, देखिए ये जो खबर यहाँ पर है, बहुत सारे लोग, देखिए मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। जब आईआरसीटीसी आया था लगभग वो 300 रुपीज़ के प्राइस पे आया था दोस्तों, मार्केट में लिस्ट हुआ था, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी रैली देखने को मिली और लगभग जो है 2000 के आसपास वो चला गया था। और बहुत सारे लोग अभी भी एक ऐसा अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, एक मौका ढूंढ रहे हैं जहां पर उनको ख़रीदने का मौका मिल जाए तो बहुत अच्छा वो पैसा बना सकते हैं। सोचिए, एक छोटा सा स्टॉक का प्राइस केवल 300 रुपीज़ से जब वो आके दोस्तों 2000 रुपीज़ से वो लुक सकता है। तो अब बारी है, यहाँ पर देख सकते हैं टाटा अडानी, फर्स्ट में आता है टाटा, सेकेंड में आता है अडानी, ठीक है, उसके बाद आता है एसएल ग्रुप, कैन रन 150 प्राइवेट ट्रेन, ठीक है। और 150 प्राइवेट ट्रेन ये क्या करेंगे, रन करेंगे। और उसके बाद एक और अच्छी खबर है, अगर ये ऐसे लोग अगर मिलकर प्राइवेटाइजेशन होता है रेलवे में तो जॉब की संख्या जो है बढ़ेगी। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक समस्या और है जो लोगों के ऊपर होगा। देखिए, आप गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट होता है, आपको पता है, गवर्नमेंट जॉब तो गवर्नमेंट जॉब होता है। अब जो गवर्नमेंट सैलरी देती थी, जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज देती थी, वो अब यहाँ पर नहीं मिलेगा, क्योंकि प्राइवेट तो प्राइवेट होता है, आपको पता है, फिर भी ठीक है। तो यहाँ पर जॉब जो है, बहुत ज़्यादा लोगों को जो है जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगा, लेकिन वो फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगा जो पहले मिलते थे, जिनको मतलब कि पेंशन या बहुत वगैरह वगैरह दिए जाते थे। और यहाँ पर देख लीजिए जो खबर आई है, सेज रेलवे बोर्ड। अब रेलवे बोर्ड ने तो बोल दिया है, यहाँ पर देख सकते हैं टाटा अडानी, और उसके बाद ये भी है एसर ग्रुप के लिए, तो हम इसको भी काउंट करेंगे, उसमें दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। लेकिन उसके बाद देख सकते हैं रेलवे बोर्ड ने बोल दिया है कि 150 प्राइवेट ट्रेन जो है रन करेगा, और ऊपर से यहाँ पर देख सकते हैं ट्रेन जॉब विल इंक्रीज। जो जॉब है वो जॉब क्या होगा, बहुत सारे लोग आएंगे यहाँ पर, उनको जॉब के लिए बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलेगा। और जो रेलवे है इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। पहले आप अगर किसी रेलवे के लिए अगर आप वेट करते थे तो कभी हो सकता था 1 आवर या 2 आवर आप लेट से आता था, ट्रेन जब भी होता था 1 या 2 घंटे लेट होता था। लेकिन जब टाटा और ऐसे आ जाएंगे दोस्तों, जब बड़े बड़े कंपनी आ जाएंगे, तो टाइम टू टाइम आएगा, ऐसे जो ट्रेन है टाइम टू टाइम आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये क्या है, लोगों की समस्या क्या है, घट जाएगी। अब वो टाइम से, सही वक्त से आप जा पाएंगे कहीं पर भी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको क्या बताया गया है, यहाँ देख सकते हैं, प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडियन रेलवे हैज़ फाइनली मिनरलाइज्ड एंड देयर आर ऑलरेडी ए फ्यू इंटिटी हु आर लुकिंग फॉरवर्ड टू रनिंग द ट्रेन इन इंडिया। अब देखिए, बहुत सारे ऐसे इंटिटी भी है जो रेलवे को रन करने के लिए वो भी सोच रहे कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी मिले। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं, फाइंड आउट विच कंपनी विल बी रनिंग द रेलवे इन इंडिया राइट हियर, कौन सी ऐसी कंपनी है जो इंडिया के रेलवे को रन करेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं अडानी टाटा जैसे का नाम आ रहा है यहाँ पर, तो हम ऐसे जो ये बड़े बड़े कंपनियां हैं इन पे क्या है ज़्यादातर फोकस करेंगे। अब ऐसा हो सकता है, अभी देखिए ये क्या है, कमिंग सून, आने वाला है, अभी थोड़ा टाइम है, ठीक है ना। तो देखिए तब क्या होगा, इसका शेयर का प्राइस में और भी आपको जो है तेज़ी से आगे बढ़ते हुए नजर आएगा, और टाटा तो किसी भी चीज़ में पीछे नहीं रहता, आपको पता है। अब देखिए यहाँ पर ये भी आपको बताया गया है, पूरी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर देने की कोशिश करूँगा। यहाँ देख सकते हैं द बिड विल बी रन, मतलब कितने ट्रेन के लिए हो सकता है बिड लगाया जा सकता है वो बताया जा रहा है यहाँ पर, लगभग 151 ट्रेन के लिए, जो आपको पहले भी बताया जा रहा था, ठीक है, 151 ट्रेन के लिए। अब कितने यहाँ पर देख सकते हैं, 151 ट्रेन ऑन 109 पेयर ऑफ रूट, 109 पेयर ऑफ रूट में ये क्या होगा, चलेगा। और उसके बाद देख सकते हैं इच ट्रेन में कितना होगा, 60 कोच होगा। अब देख सकते हैं द एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट, अगर देख रहे हैं, अगर आप जा रहे हो तो वहां पर आपको इन्वेस्टमेंट के लिए भी तो पैसे चाहिए होंगे, विदाउट इन्वेस्टमेंट तो आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो आपको करना पड़ेगा जो है 30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहां पर किया जाएगा, जो कि हिसाब से देखें तो एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है।
और इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट अगर हर कंपनी तो नहीं दे सकती, जितने भी प्राइवेट वाले कंपनी हैं जो बहुत बड़े बड़े हैं वो भी एक या दो, एक मिल के नहीं हो पाएगा, या एक मिल के नहीं हो पाएगा या दो मिल के नहीं, आपको कुछ लोगों को आना पड़ेगा। कुछ ऐसे एंटिटी हैं जो बड़े एंटिटी हैं वो आएंगे और जब सपोर्ट करेंगे, जब सब एक बार मिल जाएंगे तब जाके गवर्नमेंट को सपोर्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ना, गवर्नमेंट की रेलवे है, अब रेलवे आप समझ सकते हो एक बहुत बड़ी संपत्ति है जो हमारी इंडिया की है, उससे हमें बहुत बड़ा रेवेन्यू भी जनरेट हो सकता है, तो इसलिए वहाँ पर अमाउंट भी जो लग रहा वो भी बहुत बड़ा लग रहा। अब देखिए, जब अमाउंट बड़ा लग रहा, जब इन्वेस्टमेंट मिल रहा, तो रिटर्न कितना मिलेगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर आप 30,000 का इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हो तो क्यों तैयार हो, यहां से आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना मिल सकता, तो यहां पर भी रिटर्न ऑन जो इन्वेस्टमेंट होगा वो भी बड़ा होगा, है कि नहीं, वो भी बड़ा होगा, तभी तो इतने लोग जो है इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी, देखिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मैं बताना चाहता हूँ, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जितना हाई होगा उतना ज़्यादा आपको मिलेगा रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी उतना ज़्यादा आपको मिलेगा रिटर्न ऑन इक्विटी। अब जब रिटर्न ऑन इक्विटी आपको हाई मिलेगा तो शेयर का प्राइस तो ऊपर जाएगा, और शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा तो आपको बेनिफिट होते हुए नजर आएगा। अब जैसे देखिए, अगर अडानी बीच में आएगा तो अडानी को तो बड़ा बड़ा बेनिफिट होते हुए नजर आएगा। कैसे, यहाँ पर देख सकते हैं, दिस कंपनी इज द, देख सकते हैं, इज द ऑनर ऑफ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट रेलवे, यहाँ देख सकते हैं, लार्जेस्ट प्राइवेट रेलवे लाइन इन इंडिया, इंडिया का जो लार्जेस्ट प्राइवेट रेलवे है वहाँ पर अडानी पोर्ट अगर अपना गेम खेलता है तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। और देख सकते हैं, दिस इज अलॉन्ग विद द लार्जेस्ट स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैंडलिंग बाय द कंपनी। अभी देखिए, अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर में काम कर रही है तो देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा यहां पर, क्योंकि देखिए जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो पाएगा तब तक काम नहीं हो पाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इसेंशियल है, क्योंकि पहले अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सही होगा तो रेलवे भी बहुत इसेंशियली, मतलब बहुत स्मूथली चलेगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को भी यहां पर मेन रोल दिया जा रहा है, और अडानी की कंपनी पर तो आपको फोकस करना ही है। अडानी ग्रीन देख रहे हो, मतलब अडानी जो ग्रीन है वो जब भागता है ना तो मतलब लोगों के हाथ नहीं आता, और वो आज तक, मतलब वो जब 30 रुपीज के आसपास वो शेयर था, आज तक वो जब 500 का भी हो चुका है भाई, लेकिन वो फिर भी अपर सर्किट में ही चलता है, लोअर सर्किट में ही चलता है। पता नहीं ये इसका जो अपर सर्किट या लोअर सर्किट है कहां जाके टूटेगा, 1,000 में 2,000 में 3,000 में, पता ही नहीं चलता भाई। जब 30 रुपीज का स्टॉक 500 रुपीज बन गया फिर भी अपर सर्किट है। अब लोग भी परेशान है कब खरीदे कब ना खरीदे, लेकिन लोगों को बेनिफिट भी बहुत बड़ा हुआ, इसलिए मैं बोल रहा हूं अडानी के शेयर्स पे नजर रखो, ठीक है, प्लीज नजर रखो। पहले से आपको एस्टिमेट किया जा रहा है और अनुभव करके बताया जा रहा। अब देखिए, ऊपर से जो टाटा रियलिटी है, मतलब कि भाई टाटा जो ग्रुप है वो रेलवे में बहुत बड़ा, सॉरी रेलवे में नहीं, यहाँ पर मेट्रो में, ठीक है ना, मेट्रो प्रोजेक्ट इन पुणे में, यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है मेट्रो में। अब देखिए, मेट्रो भी एक बहुत बड़ी ताकत है। मेट्रो आपको पता होना चाहिए कि जितना रेलवे को हम महत्व ये इंपॉर्टेंट दे रहे हैं, उतना आने वाले दिनों में मेट्रो को भी देना पड़ेगा, क्योंकि मेट्रो भी देख सकते हैं तो वो भी लोगों को ट्रांसपोर्ट करने में बहुत अच्छा फैसिलिटीज दे रहा है, और मतलब टाइम कंज्यूम, मतलब जो टाइम है उसको अच्छा से यूटिलाइज कर रहा है, यूज़ नहीं कर रहा आपको, मतलब लेट नहीं करता, अच्छा से यूटिलाइज करता है। तो यहाँ पर मेट्रो प्रोजेक्ट पर भी फोकस करने को देखा जाएगा। तो अब टाटा ग्रुप पे भी आप फोकस कर सकते हो, ठीक है, ऐसे दो कंपनी मैंने आपको बताया, टाटा ग्रुप और अडानी पे, ठीक है ना, ऐसे कंपनी पे फोकस कीजिए जो आने वाले भविष्य में आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकता है। और बहुत सारे ऐसे टाटा ग्रुप के शेयर हैं जो छोटे छोटे हैं, बहुत छोटे छोटे हैं, और अडानी ग्रुप के भी शेयर देखोगे तो वो भी बहुत मजबूत है और अच्छे अच्छे हैं। तो इन दोनों कंपनी पर आप नजर रखो भाई। ये जो खबर थी ये आप तक पहुँचाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि देखिए प्राइवेटाइजेशन तो हो रहा था, सबको पता, आपको पता, हमें पता, लेकिन प्राइवेटाइजेशन होने के बावजूद, ठीक है, ये होने के बाद कौन से कंपनी को ज़्यादा बेनिफिट होते हुए नजर आएगा वो भी तो हमें पता होना चाहिए, ताकि हम उसको खरीद के अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। देखिए, हो सकता है अभी कुछ मुझे इंग्लिश रीड करने में कोई प्रॉब्लम्स या समस्या हो सकती है, मिस्टेक हुआ हो, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, क्योंकि हो जाता है, मिस्टेक हो जाता है, ठीक है, कंटिन्यू बोलना पड़ता है। तो देखिए, क्योंकि मैं भी 100% करेक्ट तो नहीं हो सकता, क्योंकि मैं भी आपकी तरह इंसान हूँ, गलती हो जाती है, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ अगर कोई हमारी तरफ से गलती है तो। और सबसे बड़ी बात, अगर आप देखोगे बहुत सारे स्टॉक, मतलब पूरा नीचे गिरे हुए हैं, बहुत सारे स्टॉक है जो 50% डाउन है, अभी भी 30% डाउन है, और बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे हैं कि निफ्टी भी गिरेगा। तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए है, जब मार्केट गिरेगा, या बहुत सारे लोग बोल रहे हैं भाई मार्केट गिरेगा, चलिए अच्छी बात है, मान लेते हैं अगर मार्केट गिरता है तो बहुत सारे लोगों को नीचे में खरीदने का मौका मिलेगा जो 30% डाउन है। अभी बहुत सारे ऐसे स्टॉक 50% डाउन है, देखिए 200 रुपीज़ का टाटा मोटर अभी आपको कितने मिल रहा है, केवल 100 रुपीज़ में मिल रहा है टाटा मोटर, तो लगभग 50% डाउन हुआ। तो जितना मार्केट गिरेगा ना उतना ये दोनों स्टॉक पर नजर रखिएगा, टाटा और अडानी, ये दोनों स्टॉक पर आप नजर रख सकते हैं, ठीक है, या आगे
कोई और ऐसी खबर आती है टाटा या अडानी के ग्रुप में तो मैं वो भी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। अब आते हैं मुद्दे के बाद पर। अगर आप शेयर मार्केट में बिल्कुल नए हो और आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो आप अपना डीमेट अकाउंट एंजल ब्रोकिंग में खोल सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में। देखिए, अगर आपको फ्री में ओपन करके दिया जा रहा है तो काम कीजिए, अगर आपको अच्छा लगता है काम कीजिए, अगर आपको गलत लगता है तो आप छोड़ दीजिए, उसमें दिक्कत की कोई बात नहीं। यहाँ आपकी मर्जी, जब आ सकते हो जब जा सकते हो। और सबसे बड़ी बात है, देखिए बहुत सारे ऐसे कंपनी जहाँ पर आपसे 300-500 रुपीज़ लिया जाता है, तो जो काम फ्री में हो सकता है वो काम आप पैसे देके क्यों करना चाहते हो। वैसे भी एंजल ब्रोकिंग और जो जीरोधा जैसे प्लेटफॉर्म है वो अच्छे वाले प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप और आपका पैसा सेफ रहता है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर एंजल ब्रोकिंग के ग्रुप में ऐड किया जाता है आपको और बताया जाता है कौन सा स्टॉक खरीदना है कौन सा स्टॉक नहीं खरीदना है। देखिए अब क्या होता है, आपके पास बहुत सारे स्टॉक है, ये फर्स्ट वाला खरीदना है, सेकंड वाला, थर्ड वाला, फोर्थ वाला, फिफ्थ वाला, आपको पता नहीं चलेगा। तो ग्रुप में आपको बताया जाएगा ये स्टॉक खरीदना है आपको, ये स्टॉप लॉस के साथ रखना है, स्टॉप लॉस रखिए, और ऊपर से टारगेट भी आपको बता दिया जाएगा, जिससे क्या होगा आपको थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा, नॉलेज मिलेगा। तो ये सब आपको क्या है, बिल्कुल फ्री में मिलेगा और एंजल वाला खुद आपको जो है आपके ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। तो डीमैट अकाउंट बिल्कुल फ्री में, डिलीवरी चार्जेस बिल्कुल फ्री, ग्रुप में ऐड होना है बिल्कुल फ्री, केवल ₹20 आपको लगता है, वो भी इंट्राडे में। इंट्राडे में आपको केवल ₹20 लगता है, वो हर जगह लगता है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दिया गया है।